बाजार पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे हैं और बाजार एक दायरे के अंदर कामकाज कर रहा है, कोशिश कर रहा है 22,200 को होल्ड करने की। मिड कैप में हालांकि मजबूती है लेकिन बाकी इंडेक्स में नरमी या लाल है, उछाल पे बिकवाली है और बढ़ने घटने वाले शेयर्स का आंकड़ा भी बहुत फेवरेबल नहीं है। लगभग 2:1 का रेशियो बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। रूपक, मार्केट फंस गया है क्या? ये 22,200 के बीच में अटका हुआ है जी। मुझे लगता है कल कल भी मैं एक व्यू शेयर किया था सीएनबीसी आवाज में कि निफ्टी का एक लेवल है 22,225, तो आज के लिए वो लेवल हो जाएगा 22,250। तो निफ्टी को 22,250 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है निफ्टी तो वापस एक बार राइजिंग चैनल के अंदर आ जाएगा, और राइजिंग चैनल के अंदर एक बार आ गया तो वापस एक बार रैली मोड में आ जाएगा। मतलब हायर एंड में 22,600, 22,800, 23,000 तक भी जा सकता है शॉर्ट टर्म में, बट अभी फिलहाल 22,250 के नीचे है, इवन 22,200 के भी नीचे है, तो थोड़ा बहुत साइडवेज और वीकनेस थोड़ा दिखा है। हो सकता है कल एक बार आए ऊपर और स्ट्रेंथ दिखाए, और बैंक निफ्टी की बात जितना कम करे उतना ही अच्छा है क्योंकि उसमें तो स्ट्रेंथ एकदम है ही नहीं। और HDFC की तरफ से वीकनेस आ रहा है, 48,000 के ऊपर स्ट्रेंथ वापस आएगा बैंक निफ्टी में। ओके, 22,250 ध्यान रखिएगा, आज क्लोजिंग अगर होती है तो फिर एक राइजिंग चैनल में आ जाएगा निफ्टी, ऐसा रूपक डे को लगता है। और बहुत ज़्यादा दूर नहीं, 60 पॉइंट की बात है, 1.5-2 घंटे में खींच सकते हैं। रूपक, आपने HDFC बैंक का नाम लिया और HDFC बैंक ने एक अच्छी मजबूती के साथ तेज़ी की थी लेकिन वहाँ से वो फिर वही 1,430-1,440 के रेंज में आ गया है और आज तो अच्छी खासी 1.5% की कमज़ोरी है इसमें, ये भी अटका हुआ है, एक रेंज तोड़ नहीं पा रहा है ये। जी हाँ, HDFC बैंक की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म जो मूविंग एवरेज है 200 डेज मूविंग एवरेज उसके नीचे कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा है, तो मेरे ख्याल से इस पे लॉन्ग टर्म बेयरिशनेस तो है ही, बट अभी फिलहाल जो कोशिश कर रहा था ऊपर जाने का वो भी फेल्यूर हुआ। 1460 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, 1460 के ऊपर सस्टेन करता है तो रैली हो सकता है। रूपक, सिप्ला इसमें ब्लॉक हुआ है, प्रमोटर्स की तरफ से हिस्सा बेचा गया लेकिन उसके बाद स्टॉक में 4% की तेजी है, 52 रुपये ऊपर 1,413 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, यानी उसका कोई असर हुआ नहीं जो लोग डर रहे थे कि। क्या सिप्ला आपको आपके रडार पे है कि इस पे किसी लेवल पे बाई की जा सकती है? जी हाँ, बट अभी उसके लिए वेट करना पड़ेगा, 1440 एक लेवल रहेगा जिसके ऊपर जाने पर सिप्ला में पॉजिटिविटी रहेगा। डेफिनेटली कल का नेगेटिविटी के बाद आज पॉजिटिविटी दिखा रहा है, लेकिन एक लेवल मतलब 1440 के ऊपर जाने पर ही स्ट्रेंथ आएगा स्टॉक में। अच्छा, आपकी नजर इंटरग्लोब एविएशन पे जरूर गई होगी, 4,300 रुपये पहुंच गया है, 3% ऊपर है, 5,000 की जर्नी शुरू हो गई इसकी। नहीं, मेरे ख्याल से हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है 5,000 पे जाने, क्योंकि कंटिन्यूअसली एक कंसोलिडेशन बना रहा है, उसका ब्रेकआउट आ रहा है कंटिन्यूअसली और हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर जा रहा है, तो मेरे ख्याल से 5,000 की दिखा भी दे तो मैं आश्चर्य नहीं होऊंगा। 5,000 दिखा दे तो आश्चर्य नहीं होगा भाई, इसमें तो बहुत सुपर तेजी बनी है और आज भी देखिए मजबूत है, इन्होंने बहुत सारे नए फ्लाइट्स का ऑर्डर दिया, मतलब फंडामेंटल बहुत सारी खबरें हैं इसमें और स्टॉक वैसे ही रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है अलग। और एक और स्टॉक है सीमेंस, 7% ऊपर है। ABB और सीमेंस दो स्टॉक ऐसे हैं जो पिछले आपने 1.5 महीने में देखे होंगे, हर अच्छी खबर पर रिएक्ट करते हैं, खूब चलते हैं, अगले दिन लोगों को लगता है कि अब बहुत चल चुका, अब नहीं चलेगा, फिर चलते हैं। ABB का रिजल्ट आता है तो सीमेंस चलता है, अभी सीमेंस का रिजल्ट तो ABB में भी तेज़ी है और आज आपके सामने देखिए इतनी तेज़ी के बाद आज भी 7% ऊपर है सीमेंस, नतीजे अच्छे थे। ABB और सीमेंस पे वेरी क्विक व्यू आपका? जी, दोनों में जैसे सीमेंस की बात करूँ तो 6,800 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, 6,800 के ऊपर जब तक रहेगा तब तक इसमें पॉजिटिविटी रहेगा, अपसाइड में टारगेट ओपन रहेगा। और ABB की बात करूँ तो उसपे भी 7,800 का स्टॉप लॉस रहेगा, 7,800 के नीचे हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए। ओके, ये है ABB और सीमेंस पर। रूपक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज KYC में कंपनी